पूर्वी लद्दाख में एलएसी विवाद को लेकर आज फिर से चीन सेना के साथ भारतीय सैन्य अधिकारियों की बैठक चल रही है, जो कि अब भी जारी है। ये 16वें दौर की वार्ता है। इससे पहले 11 मार्च को 15वें दौर की बैठक हुई थी, जिसमें एलएसी पर यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर विवादित जगहों से चीनी सैनिकों की वापसी के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। उसी मुद्दे पर आज फिर से सैन्य अधिकारी मुलाकात कर रहे हैं और भारतीय सीमा के चुशूल मोल्डो में यह बैठक चल रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए रुक करेंगे अपने सहयोगी का। हमारे साथ हमारे संवाददाता मंजीत नेगी जुड़ चुके हैं। मंजीत, भारत और चीन के लिए यह बैठक काफी मायने रखती है, काफी महत्वपूर्ण है, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? आज तो 16वें दौर की जो बातचीत है सुबह करीब 9:30 बजे शुरू हुई है, और खास बात यह है कि ये बातचीत ऐसे वक्त हो रही है जब पिछले कुछ दिनों से चीन की तरफ से भारत की सरहद यानी कि एलएसी के बहुत नजदीक अपने J-11 और दूसरे लड़ाकू विमानों की के साथ उन्होंने एक तरह से घुसपैठ की कोशिश की, एयर वायलेशन की कोशिश की। हालांकि भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू विमान है उन्होंने इस एयर वायलेशन को नाकाम किया है। तो चीन एक तरह से दोहरी रणनीति पर काम करता है, एक तरफ एलएसी पर वो एयर वायलेशन कर रहा है और दूसरी तरफ लंबे समय के बाद ये 16वें दौर की बातचीत हो रही है। जहां तक बातचीत के एजेंडे की बात करें तो निश्चित तौर पर जो ऐसे इलाके हैं, चाहे दिपसांग वैली की बात करें, गोगरा हाइट्स की बात करें या फिर दूसरे इलाकों जहां पर अभी भी दोनों सेनाएं हॉट स्प्रिंग की बात करें, दोनों सेनाएं इन तीन इलाकों में अभी भी आमने सामने खड़ी हैं। ऐसे में आज बातचीत में इन्हीं इलाकों से सेना को हटाने की बात की जाएगी। और इसी बीच भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, उनसे मैंने थोड़ी देर पहले खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले हफ्ते भर के दौरान चीन ने जिस तरह से एयर वायलेशन की कोशिश की, भारतीय सेना ने हर मौके पर उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और आने वाले दिनों में भी चीन की किसी भी चालबाजी का इसी तरह से करारा जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल मंजीत, आपका हम रुख करेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई दर्शकों तक हम साझा कर लें, क्योंकि एलएसी से ही जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। और इस पर आपको बता दें कि एयरफोर्स ने कहा है, वायुसेना चीफ ने कहा है कि चीन की हर गतिविधि पर एलएसी के मद्देनजर हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि ये अपने आप में बड़ी खबर है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये है जो मंजीत भी जानकारी दे रहे थे, और एलएसी पर चीनी गतिविधियों पर हमारी पैनी नजर, कड़ी नजर बनी हुई है, वायुसेना प्रमुख का यह कहना है। और साथ ही रडार भी लगाए गए हैं, पूर्वी लद्दाख में कई रडार इस वक्त हमारे जो एक्टिव हैं। वायुसेना प्रमुख का ये स्टेटमेंट अपने आप में बड़ी, और टाइमिंग सबसे अच्छी बात है कि एलएसी पर इस वक्त बैठक चल रही है भारत और चीनी सैनिकों के बीच। और मंजीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन इस पर आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने वायुसेना अध्यक्ष वीआर चौधरी से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है। क्या कुछ कहना है वायुसेना चीफ का, आपको हम सुनवाएंगे। सरहद पर जो वायुसेना के सामने चुनौतियां हैं, सेना के सामने हैं, लद्दाख सरहद पर हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से जिस तरह का गलवान के बाद तनाव रहा है, हाल में हमने देखा कि दोबारा से चीन की खासतौर से उनके एयरफोर्स से उनके लड़ाकू विमान हमारी सरहद पर घुसने की कोशिश करते हैं, जिसको वायुसेना ने नाकाम भी किया है, उसको लेकर उस किस तरह की चुनौती आप देख रहे हैं और ये क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? गलवान के बाद, जून 2020 के बाद हमने काफ़ी रडार डिप्लॉयमेंट की थी वहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में, ऑल अलॉन्ग ईस्ट एलएसी। और जैसे जैसे हमने पाया कि चाइनीज एयर एक्टिविटी वहाँ पे बढ़ रही है, तो हमने भी हमारे रडार डिप्लॉयमेंट्स और सर्विस टू एयर गाइडेड वेपन डिप्लॉयमेंट हमने भी बढ़ा दिया वहाँ पे। तो हम सिचुएशन का ऑन ए डेली बेसिस असेसमेंट करते हैं और उसके एप्रिसिएशन के अनुसार हमारी भी डिप्लॉयमेंट, काउंटर डिप्लॉयमेंट चलती रहती है। और जब भी हम देखते हैं कि कोई एयर वायलेशन की संभावना है या कोई उनके जहाज उनके एलएसी के उस पार फ्लाई कर रहे हैं, तो हमारे भी जहाज हम यहाँ से स्क्रैम्बल कराते हैं। अभी क्योंकि 16वें दौर की बातचीत चीन के साथ चल रही है, एक तरफ चीन बातचीत की बात करता है लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के एयर वायलेशन की भी कोशिश होती है, उसके पीछे क्या उसकी मंशा हो सकती है और वायुसेना की तैयारी क्या है? क्या हम इस तरह की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए हमारी तैयारी पूरी है? बिल्कुल पूरी है हमारी। जैसे मैंने कहा था अभी, हम सिचुएशन को डेली बेसिस पे अप्रिशिएट करते हैं और अगर हमें ऐसा महसूस हुआ कि उनकी उनकी एक्टिविटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ी है, तो हम भी काउंटर एक्टिविटी करें। आज़ादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर भारतीय वायुसेना कई नए कदम उठा रही है। हमारे साथ एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी हैं,
सर आपका स्वागत है आज तक पर। धन्यवाद। आपसे जानना चाहूंगा एक जो बड़ा इनिशिएटिव था सेनाओं को लेकर अग्निपथ स्कीम को लेकर, शुरुआत में जो विरोध दिखा लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उसको लेकर तीनों सेनाओं में जबरदस्त रिस्पॉन्स है, खासतौर से वायुसेना में, उसको कैसे आप देखते हैं? पहले तो बताएं कि हमने अनुमान नहीं किया था कि इतनी संख्या में लोग इस स्कीम को देखते हुए एनरोल करेंगे, इसमें रजिस्टर करेंगे स्कीम के लिए। और अभी हमारा अगला चैलेंज है कि जल्दी से जल्दी एनरोलमेंट प्रोसेस ख़त्म करके उनकी ट्रेनिंग शुरुआत करें। और इस स्कीम के तहत से जो फ्यूचर में देख रहा हूँ कि एयरफोर्स में जिस तरह हम ट्रेनिंग करेंगे, जिस तरह हम असेसमेंट करेंगे, जिस तरह हम एयर वॉरियर्स का सिलेक्शन करेंगे, सब में बहुत बदलाव आएगा। और ये स्कीम फ्यूचर के लिए बहुत मायने रखता है हमारे लिए कि हम टेक्नो सेवी लोग जो कि मल्टीटास्किंग केपेबल होंगे उनको हम आगे रखेंगे एयरफोर्स में। कुछ आंकड़े आप बता पाएंगे कितने नंबर अब तक आए हैं, और पहला बैच अगर हम देखें तो कब तक अग्निपथ का जो नया अग्निवीर का जो पहला बैच होगा वायुसेना में कब बाहर निकल आएगा? हमारे 3000 वैकेंसीज के लिए अभी लगभग 7.5 लाख एप्लीकेंट्स आए हुए, और उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारा सिलेक्शन प्रोसेस हमारा दिसंबर में खत्म हो जाएगा और मिड दिसंबर में हम पहला बैच ट्रेनिंग के लिए इंडक्ट करेंगे। एक नया इनिशिएटिव जो हम जान पा रहे हैं, अक्टूबर में जो वायुसेना की परेड होती है हिंडन में, उसको अब आप देश के दूसरे हिस्सों में ले जाने की तैयारी है, उसके पीछे क्या मकसद है? पहले तो प्रधानमंत्री ने ये इच्छा प्रकट की थी कि जितने बड़े स्तर के इवेंट्स हैं, नेशनल इवेंट्स हैं, ये देश भर के बड़े बड़े शहरों में और गाँवों में ले लिया जाए इनको। तो एयरफोर्स डे एक ऐसा इवेंट है जो कि काफ़ी संख्या में युवाओं को अट्रैक्ट करता है। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि इस साल एयरफोर्स डे चंडीगढ़ में मनाएंगे और हर साल एक नई जगह में एयर डिस्प्ले करेंगे। तो 8 अक्टूबर की परेड और उसके बाद में जो फ्लाइंग डिस्प्ले होगा, इस टाइम पहली बार सिविल एरिया के ऊपर होगा चंडीगढ़ में। मेक इन इंडिया जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा इनिशिएटिव है, और खासतौर से जब आज़ादी के 75 साल अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस दिशा में वायुसेना किस तरह के कदम उठा रही है? चाहे हमने देखा कि एलसी तेजस को खरीदने की तैयारी थी, और क्या बड़े इनिशिएटिव आप मेक इन इंडिया के तौर पर देखते हैं? पहले तो ये बताऊं कि हमारा प्रयास है कि भारतीय वायुसेना में हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का बहुत ही जरूरी है। हमें अगले आने वाले 8-10 सालों में हमारा प्रयास है कि जितने भी रडार्स हैं, सर्फेस टू एयर गाइडेड वेपन्स हैं, हवाई जहाज हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, सब मेड इन इंडिया हो। इसके लिए हमने काफ़ी इंकरेजमेंट दिया है एमएसएमईज को भी, डिफेंस पीएसयूज और मेजर डिफेंस प्लेयर्स जो है इंडिया में। अब जो आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम अभी हमारे जारी हैं, 83 एलसीए का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, उसके बाद हम एलसीए मार्क टू और एमकाम का प्रपोजल आगे बढ़ाएंगे। 114 फाइटर्स का जो प्रपोजल है वो मेक इन इंडिया होगा, जिसके तहत से इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। और एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी को भी आप सुन रहे थे। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मॉनसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने सरकार के सामने मुद्दे उठाए हैं। अग्निपथ योजना पर विपक्षी दलों ने सरकार के सामने मुद्दा उठाया है। मॉनसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है, इस वक्त की यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, क्योंकि सर्वदलीय बैठक चल रही थी और विपक्ष ने मीटिंग में कई मुद्दों को उठाया है। जी हां, जानकारी मिल रही है महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को भी उठाया गया है विपक्ष की तरफ से। लीडर ऑफ द राज्यसभा इज प्रेजेंट एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री इज प्रेजेंट एंड माय बोथ कलीग्स आर देयर एंड वी हैव गिवन सो मच इम्पोर्टेंस टू दैट दे आर ट्राइंग टू अननेसेसरली क्रिएट एन इशू एंड आई वुड लाइक टू आस्क द कांग्रेस पार्टी व्हिच इज ट्राइंग टू मेक एन इशू व्हिच इज अ नॉन इशू हाउ मेनी टाइम्स प्रीवियसली व्हेन दे वर रूलिंग एंड ऑल दीज पीपल वर देयर मिस्टर खड़गे टू जयराम रमेश एवरीबडी वाज देयर इन मनमोहन सिंह्स कैबिनेट How many times they have attended? How many times Manmohan Singh ji came to all party meeting? And at the end, for 6 to 7 years, all in all the session before the meeting which we regularly we have, for that meeting, Honorable Narendra Modi ji as the Prime Minister he has attended. Even today also, Shri Rajnath Singh, the most senior cabinet colleague of Shri Narendra Modi ji's cabinet, has attended.
So they are trying to make issue out of the non-issue, because since they do not have any issues to raise, they are talking all these things. हिंदी में ये करें नो नो सी राजनाथ सिंह जी हैज वेरी कैटेगोरिकली सेड दैट अंडर द रूल्स एंड आई हैव ऑल्सो मेड क्लियर अंडर द रूल्स एंड द प्रोसीजर फॉर व्हिच एवर द इश्यू परमिशन इज गिवन बाय द चेयरमैन एंड द स्पीकर वी आर रेडी ओपन फॉर द डिस्कशन Including for Agnipath, we are open for discussion. There is no issue on that. So 32. Around 45 parties, 36 parties attended, and almost 36 leaders, they put forth their views. And I am thankful to them for having accepted our invitation and participated. And they have given their suggestions also. And they have demanded for some of the issues to be discussed. ना कि आप 32 बिल दिया है उसमें 14 कौन सा लेते हैं हमको पता नहीं है ये भी मुझे सुनाई पड़ा उधर भी कुछ लोग कह रहे थे मुझे मैं कहता हूँ next time से हम बिल लिस्ट ऑफ बिल नहीं देते तब आते हैं हम देते हैं हम जो इंडिकेट हुआ है वो दिया है क्योंकि आप प्रिपेयर्ड रहिए आपका कंस्ट्रक्टिव सजेशन हमको दे दीजिए बिकॉज दिस मोदी गवर्नमेंट इज ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एंड वी आर मोस्ट आवर पार्टी इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक लीडर इज इलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड पार्टी प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड द पार्टी पीपल हु आर द सिलेक्टिंग देयर प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग द फ्रॉम देयर ओन वन सिंगल फैमिली They are talking of all these things, and we are giving the list in advance. Please let them be prepared. If you don't want to even that list, we are ready to withdraw that. Out of 32, 14 are immediately ready, and in order of preference we have given. संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे मॉनसून सत्र से पहले ये जो बैठक चल रही थी सर्वदलीय बैठक वो खत्म हो चुकी है 18 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू हो रही है और इस पर और ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हिमांशु इस बैठक का लब्बोलुबाक क्या कुछ था और क्या निकला विपक्ष ने क्या मांगे रखी और क्या कुछ और जानकारी विपक्ष का साफ साफ कहना है जितने बिल जो है इस मॉनसून सत्र के अंदर सरकार लाना चाहती है उनको पास कराना चाहती है वो बहुत कम कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष भी कई मुद्दों के ऊपर चर्चा चाहता है चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो अग्नि इशू हो साथ भारत की सीमा के अंदर चाइना की घुसपैठ हो उन सब मुद्दों को लेकर विपक्ष चर्चा चाहता है विपक्ष ये कह रहा है कि एक दिन राष्ट्रपति के चुनाव की वोटिंग के लिए और एक दिन काउंटिंग के लिए तो उसके बाद जो समय बचेगा वो बहुत ही कम समय बचेगा ऐसे में इतने बिल कैसे पास होंगे और जो विपक्ष चाहता है जो तत्कालीन मुद्दे हैं उनको विपक्ष चाहता है चर्चा कराई जाए तो विपक्ष का ये कहना है कि सरकार ने जो है मानसून सत्र का जो समय है जो दिन रखे हैं वो बहुत ही कम है और इसीलिए वो आज फिर से एक बार जो है विपक्ष अपनी बैठक करेगा सभी पार्टियों के साथ और उसके बाद तय करेगा किन किन मुद्दों को लेकर जो है आगे बढ़ना है क्योंकि विपक्ष भी एक चीज बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि कुछ ही मुद्दों को लेकर चर्चा कराई जा सकती है और किन नियमों के तहत चर्चा की मांग की जाएगी ये सारी चीजें विपक्ष अपनी अगली बैठक के अंदर यानी कि आज दोपहर 3 बजे के बाद जो बैठक होगी उसके अंदर तय करेगा लेकिन इतना जरूर है विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने की पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है और इसीलिए संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से जो बैठक बुलाई गई थी ऑल पार्टी उसके अंदर विपक्ष ने साफ कर दिया है कि समय बहुत कम है काम बहुत ज्यादा है और ऐसे में सरकार को तय करना है कि किन महत्वपूर्ण बिलों को लेकर आना है और विपक्ष की मांग जो है उसके ऊपर चर्चा हो वो चर्चा भी इस संसद सत्र के अंदर होनी चाहिए ठीक है हिमांशु बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर अपडेट दर्शकों तक साझा करने के लिए देखिए बैठक में 45 दलों को बुलाया गया था प्रहलाद जोशी ने कहा लेकिन 36 दलों के नेता ही वहां पर पहुंचे और इस बीच क्या कुछ कहना है क्या प्रतिक्रिया रही आपको हम सुनवाएंगे जम्मू कश्मीर का विषय हो कश्मीरी पंडितों का हो और जो कांग्रेस लीडर्स पे अपोजिशन लीडरों पे जो हमला हो रहा है उसके बारे में हो इन सारी चीजों को लेकर हम चर्चा करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ हमको चर्चा के लिए
14 दिन मिलेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम सरकार के बिजनेस को कोऑपरेट करेंगे, लेकिन इन सारे मुद्दों को वो कैसा देखेंगे, कितना टाइम देंगे, हमको ये देखना है। तो इसी मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर की बात करते हैं। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कल कुछ ऐसी बातें कही जो केंद्र सरकार को सुनने में शायद अच्छी ना लगे। सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है कि राजनीतिक विरोध पर आपसी वैमनस्यता बढ़ना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है। इस बीच चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि देश में विरोध की गुंजाइश कम हो रही है और कई कानून बगैर विस्तृत चर्चा के पास करवाए जा रहे हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक दूसरे का सम्मान करने की नसीहत भी दी है। सीजीआई कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के कार्यक्रम में बोल रहे थे और यह कार्यक्रम राजस्थान विधानसभा ने आयोजित किया था। दीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार बनाने पर जाट बेहद खुश हैं। बीजेपी के किसान मोर्चे के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर शुक्रिया अदा किया और खुशी का इजहार किया। देखिए जरा तस्वीरें, अपने आप में खुशी इजहार करने के लिए, ये बयां करने के लिए काफी है किस तरह से। और यहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी मौजूदगी। कभी किसी ने सोचा कि कोई आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति बनेगी? कभी सोचा था किसी? ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास नारा नहीं है, ये भारत का जीवन का तरीका बन गया है। इसको हमको और मोदी जी ने इसको साकार करके दिया है, मोदी जी ने इसको धरती पर उतारा है। आज देखिए आदिवासी भाइयों के मन में कितनी खुशी है, उनको पहली बार सर्वोच्च पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ दिखेगा। कभी सोचा था कि किसान पुत्र उपराष्ट्रपति बनेगा? आप कभी मांग करने नहीं आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तय किया और आज आप लोगों को इतना इतनी खुशी है आप सबके मन में। आप हमें धन्यवाद देने आए, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देने। और अब बात नेपाल की करते हैं। देखिए नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड ने आज बीजेपी हेडक्वार्टर जाकर जेपी नड्डा समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात की है और यह मुलाकात बीजेपी के भाजपा को जानू कार्यक्रम का हिस्सा है। 6 अप्रैल से बीजेपी ने यह अभियान शुरू किया है जिसके तहत वो विदेशी डिप्लोमेट्स को पार्टी के नेताओं से मिलवाती है और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस मौके पर मौजूद थे। ये तस्वीरें हैं बीजेपी मुख्यालय, बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली की तस्वीरें जहां पुष्प कमल दहल प्रचंड की मौजूदगी।